हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल गीकी रे। और इन दिस वीडियो मैं लास्ट ईयर की कुछ मूवीज के बारे में बात करूंगा जो मुझे बहुत ही पसंद आए पर शायद ज्यादा लोगों के ही अंडर द रेडर चले गए एंड डिडंट गेट मच अप्रिशिएशन। तो आई थिंक अगर आपका भी टाइम पास नहीं हो रहा है, गिव दिस मूवीज अ चांस। फर्स्ट मूवी है ऑपरेशन फॉर्चून। ये एक स्पाई एक्शन कॉमेडी मूवी है। और क्या होता अगर गाय रिची का भी मिशन इम्पॉसिबल मूवी बनाते और इथन हंट के रोल के लिए जेसन स्टैथम को चूज करते। मुझे लगता है करीब करीब ऑपरेशन फॉर्चून जैसा ही कुछ हमें मिलता। ये मूवी का प्लॉट है ऑर्सन फॉर्चून प्लेड बाई जेसन स्टैथम जो एक स्पाई है और एक हाईटेक वेपन को रिट्रीव करने के मिशन पर है। ये वेपन जो एक बिलियनियर आर्म्स डीलर ग्रेग साइमंड्स प्लेड बाई ह्यू ग्रैंट के हाथ लग जाता है और इसे रिट्रीव करने के लिए फॉर्चून और उसकी टीम हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार और ग्रेग के फेवरेट एक्टर डैनी फ्रांचेस्को प्लेड बाय जॉस हार्नेट को भी अपनी टीम में रिक्रूट करते हैं। तो क्या फॉर्चून अपने मिशन में कामयाब होता है, यही इस मूवी की मेन प्लॉट है। फिल्म एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, तो स्टोरी को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन मूवी एक्शन सीन्स, कार चेसेस, बिग एक्सप्लोजन्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट से भरी पड़ी है और मूवी का ह्यूमर भी काफी अच्छा है। तो अगर आप भी स्पाई थ्रिलर्स और जेसन स्टेथम के फैन हो तो गिव दिस मूवी अ चांस। ऑपरेशन फॉर्चून इज करंटली स्ट्रीमिंग ऑन लायंसगेट प्ले। और नेक्स्ट मूवी है डम मनी। ये एक बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी 2021 के बुक एंटी सोशल नेटवर्क पर बेस्ड है। मूवी एक ट्रू स्टोरी है और मूवी का मेन कैरेक्टर कीथ गिल, ऑल्सो नोन एज रोअरिंग किटी, प्लेड बाय पॉल डेनो, जो कि एक आम इन्वेस्टर और एक पार्ट टाइम यूट्यूबर है और अपने यूट्यूब चैनल और रेडिट पेज से अपने फॉलोअर्स को GameStop स्टॉक के बारे में बताता है और इसी स्टॉक के अगेंस्ट बड़े बड़े हेज फंड्स बेट करते हैं इस स्टॉक को गिराने के लिए। तो रोअरिंग किटी के फॉलोअर, आम इन्वेस्टर्स और इन बिग हेज फंड्स के बीच में GameStop के स्टॉक को लेके एक टग ऑफ वॉर होता है और यही मूवी का मेन प्लॉट है। बहुत ही इंजॉयबल मूवी है। क्रेग गिलोसेपी ने ये मूवी डायरेक्ट किया है जिन्होंने इससे पहले आइटोनिया मूवी को भी बनाया था और वो भी एक बायोग्राफिकल मूवी था। ही ब्रिंग्स दैट सिमिलर स्टाइल एंड एनर्जी टू दिस मूवी टू। और हाँ, आप इस मूवी को वॉल स्ट्रीट या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जाने बिना भी इंजॉय करोगे। हाँ, अगर आप द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट या फिर द बिग शॉट जैसे मूवीज के फैंस हो तो ये मूवी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। डम मनी इज काइंडली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट मूवी है फ्लेमिंग हॉट। फ्लेमिंग हॉट एक इंस्पायरिंग ट्रू स्टोरी है डायरेक्टेड बाई इवा लोंगोरिया। मूवी की स्टोरी है रिचर्ड मोंटेनस की जो पेप्सी के फ्रिटोले कंपनी में एक जेनेटर का काम करता है और वहां से अपनी मेक्सिकन अमेरिकन हेरिटेज और अपनी अपब्रिंगिंग को यूज करके उन्होंने कैसे फ्लेमिंग हॉट चीटोस को इन्वेंट किया और उसे कैसे एक स्नैक से एक आइकॉनिक ग्लोबल पॉप कल्चर फेनोमेना बना दिया। ये फिल्म उसी के बारे में है। ये फिल्म उनकी स्ट्रगल, इनोवेशन, सक्सेस और उनकी एक सिंपल जेनेटर से पेप्सिको कंपनी के एग्जीक्यूटिव बनने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी को दिखाता है। ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग रैग्स टू रिचेस स्टोरी है और आपको हंसाएगी, रुलाएगी और इंस्पायर भी करेगी। यू कैन वॉच फ्लेमिंग हॉट ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और नेक्स्ट मूवी है डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स। ये एक फैंटेसी एडवेंचर हाइस्ट मूवी है। मूवी की स्टोरी है एडगिन प्लेड बाय क्रिस पाइन जो पहले एक पीस कीपर रहता है लेकिन बाद में एक चोर बन जाता है और एडगिन के टीम में है हेल्गा प्लेड बाय मिशेल रोड्रिगेस और साइमन प्लेड बाय जस्टिस स्मिथ जो कि एक विजर्ड है और फोर्ज प्लेड बाय ह्यू ग्रैंट। और एडगिन का टीम एक पावरफुल रिलिक हेलमेट को रिट्रीव करने के एपिक क्वेस्ट पर निकल पड़ता है जहां उसका सामना होता है मोटे ड्रैगन्स, गॉब्लिन्स, शेप शिफ्टर्स, इविल विजर्ड, यहां तक कि ज़ॉम्बी से भी उसका पाला पड़ता है। और ये मूवी लास्ट ईयर की सबसे बड़ी सरप्राइज रही। मूवी में एक्शन भी बहुत है और कॉमेडी भी बहुत है। मुझे बहुत ही पसंद आया था और आई थिंक ये रिसेंट टाइम की सबसे बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। पर ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल फ्लॉप रही तो अभी तक इसके सीक्वल को अनाउंस नहीं किया गया। एंड यू कैन वॉच डंजन्स एंड ड्रैगन ऑनर अमंग थीव्स ऑन प्राइम वीडियो। नेक्स्ट मूवी इज गाय रिचीज द कोवेनेंट। द कोवेनेंट एक ग्रिपिंग एक्शन ड्रामा मूवी है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गाय रिची और गाय रिचीज की मोस्ट प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी बहुत ही अंडररेटेड रही। फिल्म की कहानी है यूएस आर्मी सार्जेंट जॉन किनली प्लेड बाय जेक जिलनहॉल और उसके अफगान इंटरप्रेटर अहमद प्लेड बाय दार सलीम की। एक मिशन के दौरान सार्जेंट किनली और उनके कंपनी एक एम्बुश का शिकार हो जाते हैं और किनले बुरी तरह से घायल हो जाता है। तब अहमद अपनी
जान की परवाह किए बिना किनले को बचाता है, पर उसके बाद अहमद की खुद की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। जब किनले को पता चलता है कि अहमद और उसके फैमिली को अमेरिका जाने का वादा पूरा नहीं किया गया एंड नाउ दे आर बीइंग हंटेड बाय द तालिबान, देन किनले वापस से वॉर जोन में जाता है उन्हें बचाने के लिए और अपना दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए। गाय रिची की डायरेक्शन में ये फिल्म एक इंटेंस और इमोशनल जर्नी लेकर आती है। जेक जिलनहॉल और दार सलीम दोनों की ही एक्टिंग एकदम रियल और इम्पैक्टफुल है। फिल्म की स्टोरी भी काफी अच्छी है, तो अगर आपको वॉर ड्रामास या एक्सट्रैक्शन स्टोरीज पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। द कोवेनेंट इज करंटली स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो। और ऐसा ही एक और मूवी 2023 में रिलीज हुआ था और वो भी बहुत ही अंडररेटेड रहा था, कांदाहार, स्टारिंग जेरार्ड बटलर और हमारे अपने गुड्डू भैया अली फैजल। ये मूवी भी आपको प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी और इसकी स्टोरी भी काइंड ऑफ सिमिलर है, एक एक्सट्रैक्शन की स्टोरी है, पर मूवी बहुत अच्छी है तो आप इस मूवी को भी ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट मूवी है एयर। ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसको बेन एफ्लेक ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की कहानी नाइकी के एक एग्जीक्यूटिव सोनी वाकेरो प्लेड बाय मैट डेमन की है। फिल्म में नाइकी 1984 की हालत दिखाई गई है, जब कॉन्वर्स और एडिडास मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, तब नाइकी के बास्केटबॉल डिवीजन के हेड सोनी वाकेरो ने एनबीए के रुकी प्लेयर माइकल जॉर्डन, जो कि तब एनबीए में स्टार्ट भी नहीं किए थे, उनको एक नया बास्केटबॉल शू डील के लिए राजी कराने की कोशिश करते हैं। जबकि एडिडास और दूसरे कंपनीज नाइकी से ज्यादा मनी ऑफर करते हैं माइकल जॉर्डन को, फिर भी कैसे सोनी वाकेरो माइकल जॉर्डन की फैमिली को कन्विंस करता है इस डील के लिए और कैसे ये डील नाइकी और जॉर्डन दोनों के लिए गेम चेंजिंग होता है और एयर जॉर्डन नाम का एक आइकॉनिक ब्रांड बनता है जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाता है, इसी के बारे में ये स्टोरी है। मूवी में बेन एफ्लेक और मैट डेमन की जोड़ी एक बार फिर से हमें देखने को मिलती है और उसी के साथ जेसन बेटमैन, क्रिस मसीना, वायोला डेविस और क्रिस टकर भी इस मूवी में है। एंड एयर इज करंटली स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना एंड मुझे कॉमेंट में सजेस्ट करो और कौन से मूवीज या सीरीज रिकमेंडेशन वीडियोस आप देखना चाहते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।